Good morning, dear students. Today we will learn and discuss Class 10 Economy, Chapter 2 Sector of Indian Economy. This chapter is very important for your exam and for your daily life. Now, let's the start the chapter Classification of Indian Economic. Indian Economic can be classified. Into three types of sectors. Indian economy, three sectors may divide. These three sectors are very important first is primary, second is secondary sector, and third is territory sector. Primary sector. What is प्राइमरी सेक्टर जिसको हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो भी काम हो रहा है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज करके हम काम करते हैं वो सब सारे रिसोर्सेज और सारे वर्क एग्रीकल्चर माइनिंग फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री एंड डेयरी ये जितने भी काम हैं ये सब सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं यू हैव टू रिम्बर दिस डिफिनेशन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाई द डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर एन एग्जाम्पल इज एग्रीकल्चर माइनिंग फिशिंग फॉरेस्ट्री एंड डेयरी इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर बिकॉज इट फॉर्म्स The base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, forestry, fishing, it is also called agriculture and related sector. आपके माइंड में प्राइमरी सेक्टर के बारे में अगर बात आती है तो ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को तो यूज़ करके जो भी काम किया जाता है डायरेक्टली उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग फार्मिंग करते हैं तो उस फार्मिंग में सारे जैसे लैंड है सॉयल है वाटर है सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं माइनिंग है जो हम कोयले निकालते हैं फिशिंग है जो फिश मछली पकड़ने का काम होता है फॉरेस्ट्री में जो भी मेडिसिन बनाई जाती है जा जो भी प्लांट उट जो भी हम उसका जो बिजनेस करते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं वो सब सारी जो चीज़ें हैं वो सारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है और ये प्राइमरी सेक्टर ही सेकेंडरी एंड टेटरी सेक्टर का बेस है यानी यहीं से सब कुछ प्रोड्यूस होता है और उसका धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होकर सेक्टर चेंज होता रहता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज फेसरी ये जो फॉरेस्ट्री है और ये सब सारे जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं सारे पिक्चर्स किसने प्राइमरी सेक्टर के हैं वट इज सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर इट कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन टू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट बी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी मीन्स जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होता है यानि जो भी हम नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करके और उसके अदर फॉर्म में चेंज कर देते हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी वे द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाई नेचर बट हैज़ टू बी मेड सम प्रोसेस ऑफ manufacturing is essential इट could बी इन a फैक्ट्री or वर्कशॉप और एट होम तो जो हमने इसमें ये देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम अपने घरों में या किसी फैक्ट्री में या वर्कशॉप में यूज करके दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर रहे हैं तो सब और ये सब काम कहाँ होता है होम में होता है इंडस्ट्री में होता है वर्कशॉप में होता है तो ये सब सारे एरिया जो है सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट वी स्पिन एंड क्लोथ यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल वी मेक सुगर आर गुड वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स आपने देखा कि हम कैसे कॉटन प्लांट से कॉटन लेकर और उसे वीविंग करके क्लॉथ बनाते हैं शुगर केन से कैसे हम शुगर और गुड़ बनाते हैं और कैसे हम अर्थ के जो सॉइल है उस सॉइल को लेके ब्रिक्स बनाते हैं तो ये सब सारे सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में आते हैं सिंस दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर तो यू शुड नो कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इस सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं टेटियरी सेक्टर जिसको हम तृतीय क्षेत्र बोलते हैं जिसको इसमें क्या क्या आता है इसमें आपको देखना कोई प्रोडक्शन नहीं होता है ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं जितने भी सर्विसेज हैं वो जितने भी सर्विसेज हैं सारे इस सेक्टर में आते हैं दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस गुड अब आपको ध्यान देना है कि ट्रेटेरी सेक्टर में कोई भी गुड्स यानी कोई भी सामान का प्रोडक्शन नहीं होता है बट दे आर एंड एड एंड सपोर्ट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस लेकिन जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें ट्रेटेरी सेक्टर सपोर्ट करता है यानि उसके डेवलपमेंट में उसके प्रोडक्शन में एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग सेक्टर है Sector okay. by transportation, by storage, by communication, and by banking. Transportation goods that are produced in the primary sector need to be transported by the trucks or trains, then sold in the wholesale and retail shop. Storage at a time it is necessary to store these products in. गोडाउं विच इज़ आल्सो सर्विस मेड अवेलेबल कम्युनिकेशन टॉकिंग टू अदर ऑन टेलीफोन अब आपने देखा कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन ट्रेटेरी सेक्टर में आता है ट्रांसपोर्टरी सेक्टर में आता है और वो कैसे हेल्प करता है फॉर एग्जांपल, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है उसने काट जो क्लोथ्स रेडी किए हुए हैं तो उस क्लोथ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है और उससे जो रेवेन्यू मिलता है उसको टेरीटेरी सेक्टर में काउंट करते हैं स्टोरेज है आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे पोटैटो ही ले लो चाहे टोमेटो ले लो इसको स्टोर करके रखा जाता है और समय समय पर इसको निकाल के सेल किया जाता है तो स्टोरेज भी टेरीटेरी सेक्टर में आता है ऐसे कम्युनिकेशन है जो भी हम लोग कम्युनिकेट करें जो फोन पे बात करें जो लैंडलाइन है मोबाइल है इसमें जितने भी पैसे आते हैं ये सब सारे जो रेवेन्यू आते हैं गवर्नमेंट के चाहे प्राइवेट सेक्टर के लिए वो सब सारे रेवेन्यू टेरिटेरी सेक्टर से काउंट होते हैं वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स अब हम देखेंगे कि जो वर्किंग कंडीशन है हमारे जो वर्कर्स होते हैं जिन उन वर्किंग कंडीशन क्या है तो उस कंडीशन को जानने के लिए वी विल डिवाइड इंटू टू पार्ट वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अदर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर देर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्किंग आउटसाइड जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं वेल प्लांट बनाए हुए हैं कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अनऑर्गेनाइज हैं उसमें कोई प्लानिंग नहीं है चल रहा है बस तो हम कैसे देख रहे हैं ऑन द ऑनरशिप बेसिस अगर ऑनरशिप बेसिस पे अगर हम सेक्टर डिवाइड करते हैं तो जो सेक्टर है वो एक पब्लिक सेक्टर होता है और दूसरा जो है प्राइवेट सेक्टर होता है सर्विसेज सेक्टर इंक्लूड अब जो सर्विस सेक्टर हमने दिखा रहा था कि कि क्या क्या इंक्लूड होता है तो आपने देखा यहाँ पे हॉस्पिटल है यहाँ पे हॉस्पिटल है ये कम्युनिकेशन है ये ट्रांसपोर्टेशन है और ये जो हम बैंकिंग है जैसे हम एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो ये सब सारे उसमें सेक्टर में आते हैं इसमें कुछ पब्लिक सेक्टर होता है कुछ प्राइवेट सेक्टर होता है हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इन ईच सेक्टर अब हम कैसे देखते हैं कि सभी सेपरेट सेपरेट सेक्टर में कितने रेवेन्यू हो रहे हैं कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उस सर्विसेज से कितने प्रॉफिट हो रहे हैं अब हम जी डी पी के बारे में पढ़ेंगे जी डी पी क्या होता है वॉट इज जी डी पी द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर जी डी पी जो आपने देखा कि गुड्स और सर्विसेज इस सारा प्रोडक्शन अगर एक ईयर्स काउंट करें और उसका टोटल वैल्यू देखें सिर्फ अपने ही कंट्री में तो वो पूरे गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू है एक पर्टिकुलर ईयर में और पर्टिकुलर कंट्री में और उस पर्टिकुलर टाइम में तो वो सब सारा जी डी पी कहलाता है द सम ऑफ प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर्स गिव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और थ्री सेक्टर कौन सा सेक्टर है जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रेटरी सेक्टर देखा था उन सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन है उसका सभी का सम जो है जी डी पी कहलाता है इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री ड्यूरिंग द ये पूरा वैल्यू है किसका वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उस कंट्री में उस वन ईयर्स के पीरियड में जी डी पी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इकोनॉमिक किसी भी कंट्री का जी डी पी ये शो करता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक क्या है उस कंट्री का जो वैल्यू है जो वन ईयर में जितने भी टोटल इनकम है वो क्या है जी डी पी से हमको पता चलता है और उससे इकोनॉमी भी हम इकोनॉमिक जैसे हम कंट्री वाइज बोलते हैं इकोनॉमिक में जैसे यूएसए नंबर वन पे है ये हमारी कंट्री नंबर सिक्स पे है फोर्थ पे है तो ये सब सारी चीजें हम तब डिसाइड करते हैं वो जीडीपी के आधार पे ही द बेस ऑफ जीडीपी हम ये डिसीजन लेते हैं कि किस कंट्री का इकोनॉमी कैसा है मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और जीडीपी काउंट कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कैलकुलेशन करती है और वही बताती है कि हमारा जी क्या है हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर थ्री स्टेजेस

स्टार्टिंग में जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम काम करते हैं जैसे एग्रीकल्चर हुआ फिशिंग हुआ फॉरेस्ट हुआ प्राइमरी सेक्टर बहुत पावरफुल था और सबसे ज्यादा इनकम एक प्राइमरी सेक्टर से आता था सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्राइमरी सेक्टर से आता था आज द मेथड ऑफ फॉर्मिंग चेंज एन एग्रीकल्चर सेक्टर बिगैन टू प्रॉस्पर इट प्रोड्यूस मच मोर फूड

जो वैल्यू था प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज्यादा था इनिशियल स्टेज में नाउ सेकेंड स्टेज ओवर अ लॉन्ग टाइम मोर देन हंड्रेड बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड फैक्ट्रीज केम एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग अब इसके बाद धीरे धीरे देखा हमने कि कैसे फैक्ट्री स्टेब्लिश हुआ और फैक्ट्री में लोग काम करना शुरू किया और फैक्ट्री अपना काम कैसे बढ़ाया पीपल विगैन टू वर्क इन फैक्ट्रीज और लोगों ने अपना फार्मिंग छोड़ के धीरे धीरे फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया एंड आल्सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग फैक्ट्री गुड्स इन लार्ज नंबर एज चीप सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द द मोस्ट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट देयर वॉज अटेंस ऑफ द सेक्टर आल्सो चेंज और अभी कैसे देखा कि हमने प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर में कैसे आ गए और एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्री में काम करना गुड्स को प्रोड्यूस करना ये सब चीज़ें कैसे बड़ी सेकेंड स्टेज में अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ इन पास्ट हंड्रेड देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टेरिटेरी सेक्टर इसके बाद सेकेंडरी स्ट, सेकेंडरी स्टेज से टेरिटेरी सॉरी सेकेंडरी सेक्टर से टेरिटेरी सेक्टर कैसे डेवलप किया द सर्विसेज द सर्विसेज द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन अभी टूडे सीनोरियम क्या है जो सर्विस सेक्टर से जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को मिल रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी में जैसे होटल है ये सब सारे जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो इससे इनकम होता है वो टे टेरिटरी सेक्टर में आता है जैसे कम्युनिकेशन है हर एक आदमी के पास मोबाइल है लैंडलाइन है और हमेशा इंटरनेट यूज करें तो ये जो, जो है सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर हो गया है रेवेन्यू गेन करने का राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टेटेरी सेक्टर इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन में टेटेरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे बढ़ा ओवर थर्टी ईयर्स बिटवीन नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी थ्री एंड टू थाउजेंड थ्री प्रोडक्शन इन द टेटेरी सेक्टर हैज इंक्रीज द मोस्ट एंड इट हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर और इस थर्टी ईयर्स के बीच में कैसे टेटेरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को क्रॉस कर दिया और सबसे पावरफुल सेक्टर बन गया और सबसे ज्यादा रिवेन्यू देने वाला सेक्टर बन गया रोल ऑफ द टेटेरी सेक्टर इन इंडिया ट्रांजिशन शोज लेवल ऑफ कंट्री डेवलपमेंट इट इम्प्रूव स्पेशलाइजेशन बट इट इज बेटर टू अवॉइड एक्सटेंडिंग सर्विस इन इकोनॉमी ओवर फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ जी डी पी तो आपने इसमें देखा कि कैसे जी डी पी के ग्रोथ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है टेटेरी सेक्टर का ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ इन परसेंट और 1999 टू टू थाउजेंड अभी आपने यहाँ पे देखे कैसे डेवलपमेंट इन नाइनटीन नाइनटीन से टू थाउजेंड के बीच में जीडीपी ग्रोथ कैसे हो रहा है और कौन से सेक्टर से कितनी कितने परसेंटेज कंट्री को रेवेन्यू मिल रहा है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल इम्प्लॉयड एंड वाई द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इट इज बिकॉज नॉट इन एफ जॉब अभी अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड कौन सेक्टर से में तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड जो है प्राइमरी सेक्टर में उसका रीजन क्या है बिकॉज देर इज ए लेस डॉब एंड लेस जॉब वर क्रिएटेड इन आर कंट्री एंड सेकेंडरी एंड टेटरी सेक्टर में इतने जॉब के ऑप्शन नहीं है इसलिए सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व किस में है प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग में है फिशिंग में है और अपनी जैसे देखिए ये जो कैटल्स हैं तो इन सब चीजों में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्ड इज वर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है इट इज सिचुएशन वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल if few people move out, it will not affect the production. it is hidden in a contrast to the open unemployment where a person is clearly or visibly without job. it is also called disused unemployment. this underemployment also happens in other sectors. for example, there are thousands of casual workers in service sector in the urban areas. एज पेंटर्स प्लम्बर्स रिपेयर पर्सनस एक्सेट्रा तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए कि जो आपको जॉब मिल रहा है कि दैट जॉब इज टेम्प्रेरी बेसिस और उस जॉब में इतना पोटेंशियल यानी अपने जो आपके अंदर पोटेंशियल है आपके अंदर काम करने की जो क्षमता है उस काम को पूरे उस क्षमता के आधार पर नहीं किया जा सकता है बल्कि ये काम सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो रहा है वो काम फिक्स भी नहीं है आपने कुछ दिन तक किया फिर छोड़ के चले गए ये सब जितने लोग ऐसे हैं जितने भी लेबर लोग हैं जितने भी जैसे प्लम्बर हैं पेंटर हैं वो सब अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं नरेगा अभी ये जो नरेगा है ये नरेगा आज की डेट में मनरेगा हो गया ठीक है मनरेगा नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट टू थाउजेंड फाइव बट इसका बाद में नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया इससे पहले एम लगा दिया गया एम का है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट टू इस फाइव पर एज पर मनरेगा इट इज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क इन टू हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया ऑल दोज हु आर इन द नीड ऑफ वर्क विल गेट गारंटेड हंड्रेड डेज वर्क एंड इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू देम अभी इसके आधार पर गवर्नमेंट गाँव में गाँव रूरल मतलब जो गाँव के लोग हैं उनको एक साल में हंड्रेड डेज का काम देगी और अगर हंड्रेड डेज का काम देने में नाकाम होती है यानी उसको प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी यानी बेरोजगारी भत्ता देगी यानी बिना काम किए ही उनको गवर्नमेंट उसको सौ दिन का मजदूरी देना होगा इस एक्ट के आधार पर हंड्रेड डेज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देना ही देना है द वर्क बिल ऑफ द वर्क बिल ऑफ द टाइप विच विल द फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम

ऑर्गेनाइज सेक्टर व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर इसमें टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर सो पीपल हैव एश्योर्ड वर्क ओके रजिस्टर बाय द गवर्नमेंट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन इन द वेरियस लॉज हैज फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स अपने आपने देखा कि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे आपका जो जॉब है वो फिक्स है स्टोर्ड वर्क है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन है उस रूल्स रेगुलेशन के आधार पर वहाँ पर कामें होते हैं वहाँ पे प्रोसेस एंड प्रोसीजर से सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जिसका जो मर्जी आएगा वैसा कर देगा बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं जो जॉब दे रहा ठीक है तो उस एम्प्लॉयर में क्या क्या है क्या क्या, क्या बेनिफिट है बेनिफिट है पेड लीव लीव पे भी रहोगे तो भी पैसे मिलेंगे पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे हॉलीडे है तो भी पेमेंट मिलेंगे प्रोविडेंट फंड होता है वो मिलता है ग्रेजुएटी यानी रिटायर होने के बाद कुछ अमाउंट एक साथ मिलते हैं वो ग्रेजुएटी होता है एंड मेडिकल बेनिफिट मेडिकल बेनिफिट यानी अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम है आपको आपकी फैमिली को तो मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है वर्कर्स गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट और जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको पेंशन भी दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद तो ये है बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर का अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है एंड यूनिट आर लार्जली आउटसाइड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड लो पेड जॉब्स एंड आर नॉट रेगुलर आपने देखा कि ये सब सारे करेक्टरिस्टिक्स किसके हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसमें सिर्फ लॉस ही लॉस दिख रहा है लो पेड जॉब्स नॉट रेगुलर ये सब सारे चीज़ें हैं रूल्स रेगुलेशन तो होता है बट वहाँ पर कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता है